लमडल अर्थात लंबी झील। धौलाधार के आंचल में बनी पवित्र लमडल झील 3,900 मीटर की ऊंचाई और 2.5 किलोमीटर की परिधि में धौलाधार की सबसे बड़ी और पूरे हिमाचल की दूसरी सबसे बड़ी झील है। लमडल झील भगवान शिव और शिव शक्ति के निवास के साथ पवित्र स्थान है। दूर दूर से सैकड़ों तीर्थयात्री और स्थानीय निवासी जन्माष्टमी से राधा अष्टमी के दौरान पवित्र झील में डुबकी लगाते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा के गांव शाहपुर से हम बढ़ते हैं सल्ली घाटी के लैंको पावर हाउस। दूरी लगभग 33 किलोमीटर, समय 2 घंटे। यहां तक की दूरी हम गाड़ी की सहायता से तय कर सकते हैं। लमडल जाने के और भी कई रास्ते हैं, जैसे इंद्रहार पास, मिनकियानी पास, गज पास, चंबा भरमौर या जोध से। हम जोध के रास्ते जाएंगे। स्थानीय लोग इसी रास्ते से होकर लमडल की पवित्र यात्रा करते हैं। सल्ली घाटी हिमालय की गोद में स्थित सुंदर घाटियों में से एक है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं और गहरी घाटियों से घिरी हुई है। ये स्थान कई ट्रैक के लिए मूल बिंदु है। ये स्थान वनस्पति और जीवों में भी समृद्ध है। प्रकृति से जुड़ने के लिए सल्ली सबसे अच्छी जगहों में से एक है। लैंको पावर हाउस ट्रैक का शुरुआती बिंदु। यहां से 25 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है लमडल के लिए। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। यह ट्रैक ट्रेल खोली एक सहायक नदी के साथ शुरू होता है। चंद्रेला धार तक नदी के किनारे ट्रैक ट्रेल है। यहाँ हरा भरा घना जंगल राहत की छटा बिखेरता है। यह एक आसान ट्रैक है। आज का पहला पड़ाव चंद्रेला धार। दूरी 4 किलोमीटर, समय 2 घंटे। चंद्रेला धार में बना माता का मंदिर। माता के मंदिर में स्थानीय लोगों द्वारा हर साल लंगर लगाया जाता है। माता को प्रणाम कर लंगर ग्रहण कर बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की ओर, चक्रोटू। चंद्रेला धार से चक्रोटू दूरी 5 किलोमीटर, समय लगभग 3 घंटे। यहां चरवाहे अपने झुंडों के साथ रहते हैं। ट्रैक के दौरान हम जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं वनस्पति कम होती जाती है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देख निश्चित रूप से हम सब कुछ भूल जाते हैं। चक्रोटू ये एक सुंदर घास का मैदान है। यहाँ से चला की दूरी 1 किलोमीटर, समय लगभग 3 घंटे। चरवाहों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कोठे। चला यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। हम बढ़ रहे हैं द्रपड़ की ओर। इन खूबसूरत नजारों से होते हुए हम पहुंचते हैं मंदिर के पास। पहाड़ों में शाम ढलते ही ठंड बढ़ जाती है। आज रात हम यहीं बिताएंगे और प्रकृति का आनंद लेंगे। दूसरा दिन सुबह का समय। आज एक लंबी और थका देने वाली यात्रा है। जोध की दम फुलाने वाली खड़ी चढ़ाई। चला से जोध की दूरी लगभग 4 किलोमीटर, समय 4 से 5 घंटे।
चंद्रासी सुंदर रंग बिरंगे फूलों से सजाइए पहाड़। थका देने वाली खड़ी चढ़ाई, चारों ओर खूबसूरत पहाड़ों का नजारा। ट्रैक लगभग सुरक्षित है, हालांकि थोड़ा सावधान रहना होगा। अधिकांश ट्रैक चट्टानी है, कोई भी चोट मतलब बड़ी परेशानी। जोताश्नी देवी मंदिर, जोत के पहाड़ पे बना माता का मंदिर। माता को प्रणाम कर हम थोड़ा विश्राम करेंगे। दूर दूर तक फैले सुंदर पहाड़ों का नजारा। यहां लंगर की व्यवस्था भी होती है। लंगर ग्रहण कर पढ़ते हैं बंदर घाटी की ओर। बंदर घाटी, ये घाटी ज्यादा ढलानदार है। इसे हाथों और पैरों की सहायता से उतरना और चढ़ना पड़ता है, इसलिए स्थानीय लोग इसे बंदर घाटी कहते हैं। चंबा और कांगड़ा से आने वाले यात्री यहीं इकट्ठा होते हैं और बढ़ते हैं आगे लमडल की ओर। पहली डली, यहीं से शुरू होती हैं पवित्र डलियां, छोटे छोटे जल स्रोत जिन्हें स्थानीय भाषा में डलियां कहते हैं। हम बढ़ते हैं तीसरी डली की ओर। जोताश्नी माता के मंदिर से तीसरी डली की दूरी लगभग 7 किलोमीटर, समय 3 घंटे। अब हम पहुंचने वाले हैं तीसरी डली। तीसरी डली का खूबसूरत नजारा, एक बहुत बड़ा घास का मैदान जो बहुत सारे टेंट से भरा है। बस थोड़ा दम भर के हम भी यही टेंट लगाएंगे, बाकी का सामान यही छोड़कर बढ़ेंगे आगे लंबल की ओर। यहां पत्थर की गुफा में यात्रियों ने डेरा जमाया है। तीसरी डली से लमडल की दूरी लगभग 4 किलोमीटर, समय 2 घंटे। यह भूभाग बिना किसी वनस्पति के पूरी तरह चट्टानी है। यहां बड़े बड़े श्रीखंडों की श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं। बिना वनस्पति के यहाँ सांस लेने में थोड़ी परेशानी होती है, थकान भी जल्दी महसूस होती है। धौलाधार के पहाड़ों का नजारा वाकई बेजोड़ है। जैसे कि आप शांत और शांतिपूर्ण हवा की सुगंध से भरी मां प्रकृति के नजारों को देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि ये स्वर्ग का रास्ता है। ये देवताओं की भूमि है, प्रकृति यहाँ अपने सबसे अच्छे रूप में है। लमडल झील के रास्ते में 7 छोटी और बड़ी झीलें हैं। बड़ी झीलों में कालीकुंड एक अच्छी तरह से आकार की झील है। कालीकुंड लमडल से लगभग 200 मीटर नीचे है। अब हम पहुंचने वाले हैं कालीकुंड। कालीकुंड एक अच्छे आकार की झील। यहाँ माता का एक छोटा मंदिर है। माँ को प्रणाम कर बढ़ते हैं आगे लमडल की ओर। देवताओं की इस पवित्र भूमि में भगवान शिव और शिव शक्ति को यहाँ निवास करने के लिए महसूस किया जा सकता है। ऊंचे पहाड़ों के बीच लमडल पवित्र तीर्थ यात्रा में से एक है। लमडल को 7 झीलों का समूह भी कहते हैं।
भगवान शिव के प्रति भक्ति के प्रतीक में यहाँ एक छोटा शिव मंदिर है। पवित्र लमदल झील में डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से सैकड़ों श्रद्धालु इकट्ठा हुए हैं। डुबकी लगा के भगवान शिव की पूजा कर हम वापस तीसरी डली जाएंगे। आज रात हम यहीं बिताएंगे, प्रकृति का आनंद लेंगे। मैं यहाँ सभी प्रकृति प्रेमियों को आने की सलाह देता हूँ। तीसरा दिन, सुबह का समय, ताजी ठंडी हवा, खूबसूरत पहाड़ और घर वापसी की तैयारी। दोस्तों, आप सभी से यह अनुरोध है कि पहाड़ों में गंदगी ना फैलाएं, प्लास्टिक की बोतलें और लिफाफे यहाँ वहाँ ना फेंकें, इन्हें अपने साथ वापस ले जाएं। प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। धन्यवाद।